मैं अश्विनी कामत, मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चेटीनाड पनीर रोस्ट। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है, घर का ही इंग्रेडिएंट्स लेके आप बना सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पनीर पीसेस एक बाउल लिया है मैंने, ऐसे थोड़ा लंबा लंबा कट कर लिया है, आप चौक भी कट कर सकते हैं। ये है हाफ बाउल ऑनियन पीसेस, हाफ बाउल टोमेटो पीसेस, ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून और 4 से 5 मेथी सीड्स लिए हैं, और ये है टमरिंड जूस लेना है थोड़ा सा, 1/4 नींबू इतना टमरिंड पानी में भिगो के रखा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये है करी लीव्स थोड़े से, ये है पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ये कॉर्नफ्लोर और मैदा लिया है 1 बॉल, 2 टेबलस्पून लिया है, ये फ्राई के लिए चाहिए। ये है कोकोनट पीसेस लिया है, ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, ग्राइंड करना है थोड़ा सा, 1/4 कप लिया है मैंने। ये है मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, ये है कैशू पीसेस थोड़े से लिए हैं, और ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये है चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है, तीखा कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ, देखिए एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा जो हमने लिया था वो डालना है, थोड़ा सा स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर थोड़ा सा बचा के रखिए, ग्रेवी के लिए चाहिए, और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डालना है आपको, और इतना डाल के ये थोड़ा सा बैटर बना लेना है, थोड़ा सा पतला बैटर। इसमें अभी पनीर पीसेस डाल के आपको डीप फ्राई करना है, देखिए ऐसा बैटर रहना चाहिए, इसमें आपको पनीर डिप करके ऐसे मिक्स कर लेना है और इसे डीप फ्राई करना है। बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप, देखिए मैंने अभी कढ़ाई में तेल लिया है डीप फ्राई के लिए, अभी पनीर पीसेस एक एक करके ऐसे डीप फ्राई कर लेना है, सब गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, इतना होने तक आपको फ्राई करना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, इतना होने के बाद निकाल लेना है। अभी एक मिक्सर जार लेना है आपको, फिर इसमें जो मैंने बोला था आपको कोकोनट पीसेस वो लेना है, नहीं तो ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, उसमें 4 कैशू पीसेस डालना है, 4 थोड़ा ग्रेवी के लिए रख लीजिए, फ्राई करते समय डालने के लिए अच्छा दिखता है, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, और इसे थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल के नाइस पेस्ट कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए मैंने अभी एक कढ़ाई में तेल लिया है, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सादा सनफ्लावर ऑयल नहीं तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून तेल डाला है, उसमें मस्टर्ड सीड्स डालना है, मस्टर्ड सीड्स थोड़ा सा पकते ही आवाज आते ही उसमें करी लीव्स डालना है आपको, कैशू पीसेस जो हमने रखा था वो डालना है, फिर ऑनियन पीसेस डालना है आपको, ऑनियन पीसेस डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई होते ही आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पीसेस डाल के, फिर इसमें जीरा पाउडर, पेपर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और चिल्ली पाउडर जो हमने लिया था वो भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, फिर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर से फ्राई कर लीजिए, फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालिए, फिर इसमें जो हमने कोकोनट ग्राइंड करके रखा था वो पेस्ट डालना है आपको, वो डाल के थोड़ा सा फिर से फ्राई करना है, कोकोनट पेस्ट डाल के फ्राई कर लिया है मैंने, देखिए थोड़ा सा तेल छोड़ने तक फ्राई कर लीजिए, ऐसे ड्राई कर लीजिए, फिर इसमें
जो हमने इमली का पानी करके रखा था वो थोड़ा सा डालना है। इमली का पानी टेस्ट अच्छा आता है। फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इमली का पानी भी डाल के थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। फिर इसमें जो हमने पनीर पीसेस तल के रखा था वो इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पनीर पीसेस डाल के मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा करी लीव्स ऐसे ऐड करके फिर से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर चेट्टीनाड पनीर रोस्ट रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। चपाती के साथ, फुलके के साथ, नहीं तो चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। Thank you.